थोड़ी दूर है, थोड़ी थोड़ी दूर करके इतनी दूर तो ले आए। बस आ गया। बस बस करते इतनी दूर तक ले आए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे मैं इनसे पैदल ना चला जा रहा हूँ। देखो सुनो मेरी बात, वो सामने टावर दिख रहे हैं? बस थोड़ा सा दूर चलते ही बोलने लग जाते हो, ये टावर दिख रहा है, वो टावर दिख रहा है। अरे नहीं बस वो ही है, थोड़ी दूर की बात और है। मुझे तो दिख नहीं रहा। अरे ये बस आओ, तुम मेरे साथ चली आओ। ये क्या भाई टिल्लू, टिल्लू क्या तोते से उड़ाते हुए लेके आ रहा है? ये बहू घूंघट डाल के, तो पूछता हूँ इससे कौन है भाई, पता नहीं क्या। आओ। और ये जो है बहुत बढ़िया गांव हमारा भाई टिल्लू। अरे भाई, अरे भाई सुक्का, अरे तुम इधर आ जाओ, यहाँ पे यहाँ खड़े आओ। मैं तो इधर आया हूं ना। कहाँ आया हूं इन्हें? मैं तो ऐसे पूछ रहा हूं। एक मिनट शांत रहे, हाँ बताओ। ये टिल्लू किसको बोल रहे हैं? अरे ये टिल्लू ऐसा है, मेरा बचपन का मित्र है, तो हमारी दोनों ही चल जाती है। मैं इससे सुक्का कहता हूँ, इनसे टिल्लू कहता है, नाम तो मेरा धर्म है। और हाँ तू बता, तू क्या कह रहा था? भाई ये क्या भाभी है? काम भा रहे हो, क्या कर रहे हो? पगले भाभी नहीं है, भाभी है। तो क्या हो भाभी? हाँ तेरी शादी कब से हो गई? अबे अनपढ़ गमार मैं हूँ, लेकिन समझ तेरे बिल्कुल अंदर नहीं है, समझ। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ मेरी शादी हो गई इससे। कैसे हो गई? काय बात पे क्या हुआ? बस शादी हुई कैसे? अबे वो पुरानी बात है, हमारे जो है पर बाबा कर गए शादी। पर बाबा? हाँ, और उन्होंने एक शर्त रखी थी, जैसे ही छुरी 18 साल की होगी वैसे ही फिर अपने घर अपने घर आएगी, शादी मतलब शादी हो गई अपने पति के घर आएगी। अच्छा, और इसीलिए मैं आज इसके घर से लेके आया हूँ। अच्छा, हमें तो ये बात कभी पता नहीं चली कि तेरी शादी हुई बचपने में और 18 साल की हो गई कि फिर यहाँ जाएंगी। अरे यार जब मुझे ही नहीं पता थी तो तुझे कहाँ से पता चल जाती? तू यार ऐसी बात करता। कहीं ना कहीं तोता उड़ा रहा है तू, मुझे पता। देख रही हो कैसी बात कर रहा है? हाँ हाँ, जो वो नहीं सुनेंगी। सुन, सच सच बता दे, नहीं तो पूरे गाँव में हेयर काट दूंगा और फिर ये तू पकड़ा जाएगा। अब एक मिनट। हाँ रे सुक्का, अब सुन मेरी बात। क्या बताओ? देख जो मैं कह रहा हूँ तुझसे वो बिल्कुल 100% सत्य बात है, समझ। अच्छा, मेरी बात। अच्छा, ये मेरी अर्धांगिनी है अब। अच्छा हाँ। अच्छा है? मैचिंग आ रहा? रुक जा, चौहान नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम निशा है। देख रही हो मतलब गाँव की है, मैं क्या देखूं? बता यार, है यार सुक्का तू यार देख, तू बेफालतू मुझसे उजरा है। मैं कह रहा हूँ तेरी भाभी है, भाभी है, ये तो है नहीं, राम राम दुआ सलाम करे, पर नहीं उसमें तिगलीबाजी और कर रहा है यार। बात ये है कि मुझे पसंद नहीं आई तुम्हारी जोड़ी। और तेरी पसंद है, हम शादी करके लाएंगे। करते कभी मजे आते? तू तो चौधरी है रहा काम। अब तुमने ना तो हमें दावत खिलाई, ना नोते, ना कोई कुछ किए, तुमने सबने काम यूं ही कर दिए तुमने। लड्डू, अरे रसमलाई यार, पक्की बात? पक्की बात है। अरे रुक जा एक मिनट, रुक चौहान, तुमने इससे शादी कर ली है ना? हाँ, अब तुम शादी तो कर ली, अब तुम रहोगी कहाँ? रहूंगी कहाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? इनके घर रहूंगी और घर भी। अबे इतना घर हो तो बात बने, घर ही नहीं है, इन्होंने झोपड़ी डाल रखी है। चुप रहे, चुप रहे। ये क्या कह रहे हो? झोपड़ी? चुप रहे यार। चौधरी क्या कह रहे हैं? अरे जी कुछ ना ही, इनका चल गया दिमाग। लोग वाग तो शादी से पहले भानी मारते हैं और ये शादी के बाद भानी मार रहा, पता क्यों? क्योंकि खुद रड़ुआ भड़ुआ है। अरे हमने ना रड़ुआ भड़ुआ गई, तुम्हारे लिए रहने के लिए जगह ही नहीं है। अरे सुन, महल बनवा दूंगा, महल। अब बताओ। और तुझे अपने महल के आसपास भटकने ना दूंगा। देखो सुनो, अब देखो तुम्हारा जीना मरना तुम्हारे हाथ है। देखो मैं इसको कुछ नहीं कह रहा, मैं दर्द हो रहा है। चल तेरी भाभी का दर्द हो रहा है, चल हाँ चल जा। झोपड़ी इसके पास कुछ नहीं करवाएगा, चल जा। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन तो लो। चल चल। अरे बताओ, इनकी शादी हो रही है ना, हमारी शादी नहीं हो रही, हम कितने काम करते हैं। चुप जाओ। हाँ बताओ जी। बताओ। हाँ ये आदमी क्या कह रहा था? अरे तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये क्या है बरेली जो है पागलों का वो है ना, पागल अस्पताल, पागल खाना बोलते हैं। पागल खाना, ये वहां से भागा हुआ वो है मरीज,
तो ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ कुछ नहीं, वैसे ही गाल बजाता डोलता है, किसी की ऊँट खोल लेता है, किसी की गैया बहा देता है। घर तो है ना आपके पास? अरे और के छत तो मैं आप बादल घर नहीं हुआ ना तो फिर सोच लेना। अरे है घर, आओ आओ। मैं एक भी दिन नहीं रहूंगी आपके गाँव में। अरे आ जाओ आ जाओ भगवान आ जाओ। ये आ गया अपना रैन बसेरा। आ बैठो। रैन बसेरा? हाँ बैठो, मतलब घर। आओ बैठो। ये हमारी, हाँ बैठो बैठो तुम बैठो। अरे बैठो भगवान बैठो, ये हमारी जो है बैठक है समझे। और मैं अभी घर की चाबी लेके आ रहा हूँ, टूवल पे रखी है। घर कहाँ पर है? ये सामने नहीं दिख रहा, ये बैठक है हमारी और ये घर है। चाबी लेके आ रहा हूँ मैं टूवल पे। अरे बस अभी बैठे बैठे अभी गया, अभी आया बस एक मिनट में। अरे चेतराम भैया, अरे चेतराम भैया आते का? अरे को अरे भैया राम राम भैया भैया राम 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 का हो भैया? मैं भैया ये मैं टिल्लू पे भूल गया। हाँ याद है। अच्छा भैया सही हो सब? हाँ बढ़िया बढ़िया। अच्छा अच्छा और कोई मूलक सेवा? अच्छू ना अभी तो बता का सेवा भैया। एक बात ऐसी है, देखो मेरी भैया शादी शादी है। हाँ अरे तेने हवा तो बताई ना। ये अभी मत कहीं दास बहुत ना भाई। ऐसा है हमारे पर बाबा जब मरे गए तो एक शर्त की शादी कर दी ऐसे ही उनके कोई जानने वाले। अब वो 18 साल की है गई, ठीक है तुम्हारी बहू। अब जो है वो मैं आज लेके आया हूँ उसे। अच्छा अब भैया बीच में मिल गया, मैं जब लेके आ रहा था अपनी बहू को तो वो मिल गया बीच में रास्ते में सुक्का। अब यार उसने टांग मार दी। टांग मार दी? अरे उसने यूं बहू का? अरे मेरी बहू को नहीं, मतलब ऐसे उसने यूं कह दिया। इस पे घर भर तो है नहीं। हाँ अब भैया देखो इज्जत वाला सवाल है, तने यार मेरी मदद कर दोगे या नहीं? मेरी का मदद है? बात तो बता। बात सीधी सी है, बस कुछ दिन के लिए अपने पुराने वाले घर की चाबी मुझे दे दो। क्यों? अपनी बहू है उसने तो रखूंगा मैं। चाबी दे दो? हाँ भैया। मतलब तो अपने घर में रख लूँ? हाँ भैया चार पाँच दिन के लिए। और इधर से अगर मेरी बहू आ गई फिर क्या करूँगा? तो चार पाँच दिन में तो तू अभी आना रही। देखो जब भाभी जाते हैं तो दो दो महीने रह के आते। कोई पता ना है बाकी है आज आया कल आया तो। अरे तुम यार मेरी मदद ना कर सकते यार, ऐसी बात कर रहे हो। मदद करने को तो माने कर रहा हूँ। तो फिर यार चल ना मानो तो चल ऐसा करूँगा। हाँ अगर वो आऊ जाएगी तो वो घेर वारों करेगा मार रख लूँगा। हाँ लेकिन एक बात है। क्या? आधी बहुत देनी पड़ेगी। चेतराम भैया अगर तुम भांग भांग पी के आ गए सुबह सुबह। सही कह रहा हूँ मैं यार, आधी बहू को कौन देते? अब देख ले कैसे करा वो भैया। चार दिन की कह रहा हूँ। भैया यार दे दो यार भैया बहुत जल्दी। एक बार चल तो जा छूट। चार दिन की कह रहा हूँ? चार दिन की। अगर पाँचवा दिन है तो बहुए रख लूँगा तेरी है। ये सोच लेंगे पहले। ठीक है बहुए रखोगे ना तुम? हाँ हाँ बहुए रख लेंगे। पाँचवा दिन है तो? पाँचवा दिन है तो बहुए रख लेंगे। ठीक है ठीक है। चाबी अभी दूँ तो? हाँ ले उसके मत ले चाबी ले। अरे भैया बहुत 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 धन्यवाद भैया। और एक बात ध्यान रखियो। हाँ अगर पाँचवा दिन है वो तो तेरी बहुआ ले आऊँ। भैया पाँच दिन मेरे छठवा दिन तुम्हारा। सही है? हाँ अभी तो चार दिन की कह रहो। चार दिन तो ना 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 अब आगे मत बढ़ाए दिन। चलो तो ठीक है वो मैं हाँ। अब मुझे जाने तो दो अब मैं। ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पाँचवा दिन हाँ ठीक है बेटा। अगर चार दिन में ना गए यहाँ से तेरी बहू की ख्याल ना। इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। अरे आ गया मैं। आगे मिल गई चाबी? हाँ चाबी तो मिल गई। अच्छा कोई तकलीफ? नहीं कोई तकलीफ नहीं है। चलो अब अच्छा। मैं तो बहुत थक गई हूँ, घर पर जाके आराम कर रही हूँ। सोना ही सोना है, अब करना क्या है? चलो तो फिर क्यों बैठे हैं अब? और हाँ सुनो एक बात और। देखो इस गांव में आधे से ज्यादा जो है मर्द है ना वो बिना शादी के हैं, मतलब रड़ुआ हैं। ठीक है कैसा गांव है ये? मतलब ऐसा ही गांव है, तुम समझ जाओ। ठीक है निशा तुम्हारी शादी कैसे होगी? अरे निशा वही बात, वो मेरे तो नसीब अच्छे थे मेरे तो, तुम मिल गई तुम मुझे तो। अब बिना घूंघट के ज्यादा किसी से मिलना मत, ज्यादा इधर उधर की बातें मत करना। ठीक है वरना हमारे गाँव के बड़े बूढ़े क्या कहेंगे बता यार। है टिल्लू की बहू ऐसी है, मेरा नाम मत डुबा देना तुम। ठीक है और तुमसे कोई भी आके नहीं हो गया चार पाँच दिन में या कुछ भी तो तुम उससे बात मत करना। चलो कोई भी सही कोई भी, मेरे सिवा किसी से बात नहीं करोगी तुम। ठीक है नहीं करूंगी अब घर चलो। चलो चलो जान बची तो लाखों पाई, लौट के दुश्मन दस पाई। अब सुनो जे गेट वेट खोल लो, साफ सफाई कर लो और पंखा वंखा चला ले। ठीक है मैं अभी बाजार से कुछ ले आऊँ ठीक है ना? ठीक है रखो तो मैं बाजार से थोड़ा सा भी आ रहा हूँ। जल्दी आना। हाँ ठीक है।
इसे भी यहीं रख गए हैं ये ना अंदर। है ये कौन है? चेतराम के घर में नहीं भैया रवानी, आगे चल के दुगुन पूछो तो सही कौन है, क्या माजरा है भाई? चेतराम का घर तो बंद रहता था, खुलने लग गया। अरे चेतराम, चेतराम, तेज कौन? अरे अरे बस भी करो, कौन है आप इतने तेज तेज चीख रहे हो? अरे राम राम, चीख का नाम राम दे रहे चेतराम। वो नहीं है, वो खेत पर गए हुए हैं। चेतराम? हाँ। चेतराम खेत पर गए हुए हैं? हाँ खेत पर गए हुए हैं। तुम कौन हो? मैं उनकी वाइफ। चेतराम की वाइफ हो? तुम्हारे पति का नाम क्या है? अरे उनका नाम टिल्लू नाम है ना। ये क्या हो रहा है? अब मुझे नहीं पता है, उनके भी जाने कितने नाम है, कोई चेतराम कोई टिल्लू। कहने का मतलब ये है जिनको आप बुला रहे हैं मेरे पति को, वो घर पर नहीं है, वो खेत पर गए हुए हैं। खेत पर गए हुए हैं? शाम को आना, शाम को मिलेंगे। टिल्लू? अरे हाँ टिल्लू। चेतराम? वाकई में यहाँ के लोग बहुत पागल हैं। है सुनो, अरे सुनो दोबारा, अरे मेरी बात तो सुनती जाओ। हाँ सुनाओ क्या है? एक बात बताओ, ये घर किसका है? घर किसका? हमारा है, और किसका है? इसमें भी कोई शक है क्या? है? और तुम्हारे पति का नाम? टिल्लू। टिल्लू, और चेतराम कौन है? मेरे पति। पति? क्या हो रहा है? कहाँ मिलेगा चेतराम, कहाँ मिलेगा? वो खेत पे गए हुए हैं। मैं बात करता हूँ चेतराम से, हो क्या रहा है घर में, कौन सी भाभी पर्दा? पता नहीं, कभी टिल्लू कभी चेतराम, इनके भी पता ना जाने कितने नाम हैं। अरे चेतराम भैया, अरे यही होते चेतराम भैया, चेतराम का है, का है? राम 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 राम, क्या बात है? मैं ये कह रहा था यार, मेरा मूड घूम रहा है। मूड घूम रहा? हाँ। तो गोली का अलग साथ मोला किस? चुप करो यार, क्या बात है? सुनो मेरी बात, ये बताओ तुम्हारे तुम्हारी बीवी कहाँ है? बीवी? हाँ बीवी तो अपने घर गई है। कहाँ? अपने घर। बिहार? बिहार। हाँ एक महीना। तो तुम्हारे घर में कौन है? बीवी है। हैं? हाँ बीवी है। बी टिल्लू की बीवी है वो? हाँ। अबे यार वो टिल्लू, पर ये बताओ ये माजरा क्या है यार? मुझे वो बात तो बता कैसे, मेरा दिमाग घूम रहा है। मुझे ये बताओ ये माजरा क्या है, क्यों रह रही है टिल्लू की बीवी तुम्हारे घर में? क्यों रह रही है? हाँ वो जो रह रही है, वो शादी करके लाया हुआ है। अच्छा टिल्लू? हाँ। वो बाप है ना घर मकान। ओ एक मड़ैया आतंक देवी का है वो। हाँ हाँ है। अब्बा ने 4 दिन को मेरे मकान ले लो, जिब बात है। अगर 4 दिन के अंदर अंदर जा ले वो, तो ठीक है। ठीक है। और ना ले वो, तो 5वें दिन मेरे पास रहेगी वो। इसका मतलब जो मैंने घूंघट में देखी थी वो वही है, पर उस समय उसने घूंघट नहीं खोला, घूंघट अब खोला, मैं चकरा गया। ठीक है भाई चेतराम भैया। तो चेतराम भैया एक बात बताओ कि 4-5 दिन का क्या मैटर है ये? 4-5 दिन को जे मैटर है, अगर 4 दिन में 4 दिन की तय वही मेरी बात है। ठीक है। क्या 4 दिन के लिए अपनो घर दे दूँ? दे दो। मैंने भैया चाबी ला के भीतर से मैंने दे दी। मैं दे दी फिर चल 4 दिन रह ले। ठीक है। फिर मैंने एक शर्त बताई बाबू। कैसी शर्त? एक शर्त पर दे दी कि अगर 4 दिन में तू ले वो तो ठीक है, अगर 5वें दिन है वो तो बहू छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब अगर वो 4 दिन के बाद में अगर कोई एक भी दिन बढ़ गया, 5वां दिन हो गया, तो तुम उसकी बीवी ले लोगे? हैं ले लूँगा। ओए ये माजरा है भाई। मैं तो भाई चेतराम भैया यार तुमने बड़ा दिमाग चलाया है। दिमाग का चलावा देख ले। नहीं तुम तो यार बड़ा दिमाग चला रहे हो आजकल। पर चेतराम भैया 5वें दिन अगर मान लोगे वो बीवी तुम्हारे पास मतलब जे जागी बीवी जो अटका तुम्हारी हो जाए, 5वें दिन तो तुम्हारी हो जाएगी। अब वही तुम्हारी धर्मपत्नी आया जिससे तुम्हारी शादी हुई है, तो तुम कैसे करोगे? जूता पना पड़ेंगे, बाल उड़ जाएंगे, बाल चांद के। अरे सुन तो ले पहले, एक दिमाग से काम लेकर। क्या? वो ये कब आ जाएगी? ठीक है। तो बाबू तो पल्ला वालों घर दे दूंगा और जा यहाँ रखूंगा। अच्छा भाई पल्ले वाले दे दो, जा जहाँ रखोगे दोनों वाला रहेंगे। भाई चेतराम भैया माननी पड़ेगी यार तुम्हारे दिमाग की यार। भाई बहुत बढ़िया यार, जो कैसी पतो पड़ गई तो जे को है। हाँ कह दूंगा किरायादार। अच्छा
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है यार, मैं यही पूछना आया मेरा यार, खोपड़ी घूम गई यार। अब खोपड़ियां घूमेगी जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं यार तुम्हारे मिलने आया था, मैं तुम्हारे घर से आया हूँ अभी। अच्छा हाँ, वो मिली थी तो जाई मारे, मैंने किया चेतना भैया को ढूंढू कहा है, तो मैंने यार खेत में मिलेंगे अभी, तो मैंने तुम्हें बुलाया। अरे बहन जी राम 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 राम। और बढ़िया, सब बढ़िया है? आहा, सब कंटास मस्त, सब बढ़िया ही है। तुम बताओ, तुम ठीक हो? हाँ ठीक ही ठाक हूँ मैं तो, बहुत बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। मौज बाहर? मौज तो जरा कितनी बाहर चली गई। और बताओ, और गांव में तो सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया नहीं है इसीलिए तो। क्या हो गया? तुम नहीं आई? अब सुनो, मैं तो काफी दिनों में आई हूँ। बात ये है, न्याय नहीं है गांव में। न्याय नहीं है? न्याय नहीं हो रहा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया इस गांव में? अब सुनो मेरी बात, न्याय क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? बात ये है, देखो चेतराम, चेतराम अब वो टिल्लू है, टिल्लू हाँ। टिल्लू शादी करके लाया अपनी। टिल्लू की शादी हो गई? हो गई। सुनो, पागल से को बहू मिल कहाँ से गई? अरे मिल नहीं गई, वो पता नहीं जन हमें खिचड़ी खिला रहा है रांध के, जन पता नहीं वो क्या कर रहा है, हमें घुमा रहा है। अब सुनो, उसने मुझसे कहा कि हमारे परदादा बचपन में मेरी शादी कर गई। शादी मतलब किसी से रिश्ता पक्का कर दिया होगा? छोटेपन में, बालकपन में शादी कर देते पहले, तो शादी कर गए होंगे। अब उनने ये वचन रखे कि जब ये लड़की जो है 18 साल की हो जाएगी तब ये तुम्हारे घर आ जाएगी। अब जो उस दिन लेवा के ला रहा था अपनी बहू को, अच्छा इसके पास रहने के लिए घर तो है नहीं, झोंपड़ी है, तो इसने क्या किया कि इसने वही चीज कर दी, का मतलब इसने झूठ बोल दिया कि है का है जी, अटका मेरे पे घर मकान सब है। अब अच्छा, उसकी बहू ने शर्त रखी होगी कि मतलब मुझे तो अपने घर में ही रहना है, घर में रहना है। अब सुनो, अब उसके पास तो झोंपड़ी, घर है नहीं रहने के लिए, इसने क्या करा कि चेतराम के पास चला गया ये। अच्छा, क्यों, उसकी बहू पढ़ी लिखी है क्या? चेतराम की? हाँ। किसकी? टिल्लू की। टिल्लू की वो पढ़ी लिखी है, घर मांग रही है रहने। बहुत पढ़ी लिखी है, सुनो बहुत अच्छी हुई है, सुनती जाओ अब तुम क्या कह रहा हूँ मैं। तो वो जो चेतराम है, चेतराम के पास गए घर मांगने, चेतराम ने एक बात कह दी घर देने से पहले कि घर तो मैं देख दे दूंगा भाई टिल्लू, पर 4 दिन के बाद में, पांचवा दिन अगर हो गया तुझे, 4 दिन के बाद में पांचवा दिन अगर तुझे हो गया तो मैं तेरी बीवी को अपने घर में रख लूंगा। ऐसे कैसे रख लेगा भाई किसी की बीवी? भाई अब बता, फिर घर के बदले में कोई बीवी थोड़ी ना देता है। अब बताओ, अब ये इसके बल वही है, अब वो भी 4 दिन में, अब वो भी तो पागल है, पगलेट है, वो अटका है टिल्लू, उसने भी तो हामी भर दी है कि हाँ तुम ले लेना मेरी बीवी को, बताओ। अच्छा हाँ, वो गवार है, वास्तव में गवार है वो। और मैं तो अभी विध मिला के आ रहा हूँ उससे, है चेतराम से, चेतराम से मैंने कही, मैंने की चौमाई अगर ये 5 दिन हो गए और तुम्हारी बीवी मतलब ये बीवी अटका है, इसकी बीवी तुम रख लोगे, और किसी दिन तुम्हारी बीवी आ गई तो तुम क्या करोगे? कोई बात नहीं, उसकी बीवी तो 1-2 साल से नहीं आई, अब क्या आएगी? अरे आ रही है, वो कह रहा था वो भी बीवी आ रही है, वो भी आ रही है। अरे सब कहने की बात है, वो तो हर बार यही कहता है कि आ रही है आ रही है, मैंने तो अभी तक नहीं देखी। और फिर देखो उन्होंने कह रहा है एक बीवी को मैं वहाँ छोड़ दूंगा, एक बीवी को छोड़ दूंगा वहाँ, वो इसी को रख लेगा, वो उसकी पहले वाली बीवी तो 2 साल से तो मैंने नहीं देखी, आने वाली होती 2 साल में एक आध चक्कर तो मारती, एक भी नहीं मारा। अब बता, अब देखो बहन जी, अब हवा जा तो भगवान जाने या ये जाने अपने, देखो हमें कोई मतलब नहीं। अब ये है कि तुम इसमें ना थोड़ा ये बिद मिलाओ कि ये कम का देगा वहाँ काय को लेके पड़ा है, अगर ये बीवी अगर इसकी चली गई हाथ से रोडवा रहे, मुझे चेतरा मिलेगा तो उससे बात करूंगी जरा। चेतरा मिले और टिल्लू मिले, टिल्लू को समझाओ, दोनों से बात करो, बात करो इनसे। हाँ अब तुम आ गई हो तो नेका ये करो, तो तुम चिंता मत करो भैया, राम राम भैया, राम राम सब राम राम भैया, डंडे को पलंग करके जाया करो जरा, डंडा वो हो जा रहा कोई जा। चेतराम चाचा, अरे ओ चेतराम चाचा, अरे का है चाचा? राम 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 राम। और सही है? हाँ बढ़िया है। और बढ़िया लगता ना रही, क्यों का खराबी है? हैं कोई खराबी ना है? ना तबीयत वगैरह तो सही है ना, तो क्या हूँ अभी? हाँ जब भी चमक सी मार रही है ना। हाँ का काम? काम ये है चाचा, और चाची कब आएंगी? 2 साल है ही चाची। आ जाइए एक आध दिन में, एक आध दिन में आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा, तुम तो जब मिलो जब ठीक है तो एक आध दिन में आ जाएगी, एक आध दिन में आ जाएगी। अब ऐसा है, अब रक्षाबंधन आए जा रहे हैं। हाँ अब वो यूँ कहिएगा मैं त्योहार करके जाऊँगी। अच्छा मुझे ये बात, एक बात ये बताओ, तुम्हारे पुराने वाले मकान में मैं कल कंडे निकाल के ला रही बिटिया में से, तो मैंने देखी कि एक औरत सी। औरत सी? हाँ मतलब बहू सी। हाँ तो वो किसकी बहू है, क्यों मतलब तुम्हारे घर में कैसे रह रही है? इसकी बहू है? हाँ। तुम तो को कह रहे हो? अरे मैंने पुराने वाले घर में देखी तो काउ ने बताई है।
अब देखो चाचा, बुरी बात तो छुपती नहीं है, अच्छी बात तो छुप जाती है ना। वो ऐसा है, वो टिल्लू है ना, हाँ, शादी कर लाया हुआ वो। अच्छा अच्छा, तो शादी कर लाया तो वहाँ पे घर मकान तो है ना। हाँ, एक मढ़ैया है तो माने 4 दिन के लिए मेरा घर ले रखो माने। अच्छा अच्छा, हाँ। फिर 4 दिन बाद का? और शर्त ये रखी थी कि 4 दिन के अंदर अंदर लेगो तो ठीक है, अगर ना लेगो तो 5वें दिन बहू रख लूंगा मैं। ऐसे कैसे रख लोगे भाई तुम किसी की बहू को? जो अपनी बहू तो तुमसे रखी ना गई। अरे माने वो 2 साल हो गई उसे अपने पियर गए, दूसरों की बहू को तुम रखते फिरो? शर्त रखी है माने। अच्छा, हाँ। अब वो तो बेचारा गरीब गुरबा है, वो तो शर्त हार ही जाएगा। कछु भी करे वो हार या जीत, गलत बात है चाचा जी। तय करके रखिए मैं, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। गलत बात गाई हूँ? अच्छा, हाँ। जब वो अपने मुँह से कह रहा है ठीक है मैं 5वें दिन छोड़ जाऊंगा, ठीक है ले लेगा। तुम कहाँ से क्या करोगे, खर्चा पानी सब बाद में काम है, सब बाद में देखी जाएगी। अच्छा, ना मानोगे? ना, जब तय कर लिया माने तो फिर क्या बात को डर? जैसी आपकी मर्जी, हम तो समझा ही सकते हैं। दूसरे की बहू दिए पर नजर नहीं माननी चाहिए। समझाओ बाबू टिल्लू को, मैं समझा रही। ये भी बात सही है, टिल्लू को ही समझाऊंगी, ला उससे ही बात करूंगी। हाँ, चलो ठीक है, राम राम चाचा। राम राम, राम राम, हिमात ले भी आइए बाकी। लगे हुए इसके पुराने वाले मकान में, जरा मिलेगी तो सही, निकलेगी तो सही। अरे कोई है क्या? अरे कोई है? कौन? अरे आप कौन? नमस्ते भाभी। नमस्ते। ओ मतलब आप कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं हाँ? इस घर की मालकिन हूँ। और कौन हूँ? आप इस घर के मालकिन तो हो, मतलब किसकी बहू हो? मैं टिल्लू। टिल्लू की बहू हो तुम? टिल्लू भैया कहाँ है? वो खेत पे गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, आप वैसे कौन? मैं इस गांव की लड़की हूँ, मैं आपकी ननद हुई। अच्छा अच्छा, इस नाते से। तो मतलब ये बताइए, आप पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत? नहीं नहीं, थोड़ा सा कुछ जो है ज़्यादा नहीं है। हाँ, वही 4-5 क्लास करी होगी है ना? पर ठीक है, जब ही समझ में ऐसा ही आया, गवार से गवार बढ़ गया। और वैसे तो सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक रह रहे? हाँ ठीक है। वैसे तुम लोगों ने शादी कर ली, और मतलब पता तो चली नहीं गाँव में, टिल्लू की शादी हो कैसे गई? अरे वो ऐसा हुआ था बचपन में, मतलब हमारे पिताजी ने, उनके पिताजी ने हमारा रिश्ता तय कर दिया था। अच्छा, बचपन में ही। हाँ, इसलिए अब मेरी जो विदा होती है ना, वो अब हुई है। अच्छा अच्छा, तो मतलब बिना कुछ भी सोचे समझे शादी, मतलब साथ आ गई ऐसी? सोचे समझे क्या? नहीं नहीं, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई रीति रिवाज से शादी नहीं हुई, जैसे हमारी हम उम्र पे होती है, जैसे मतलब नहीं, हमारी शादी बचपन में ही तय हो गई थी, तो अभी जो है विदा कर दिया। हाँ, वही वही होता था पहले गांव में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं तो राजी खुशी पूछने आई थी, वैसे मैं इस गांव की लड़की हूँ। अच्छा, किसी अच्छा। चीज की जरूरत वरूरत पड़े, कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। आप आ जाया करो, है ना? तो कोई काम हो मेरे लायक तो बताना। नहीं नहीं, आप आ जाया करो, घूम जाया करो। और अगर टिल्लू भैया आए तो जरा कह देना उनसे, वो चक्की वाले वो है ना, राम सिंह ताऊ, उनकी तरफ जरा चक्कर मारे आके ना, वो तुम्हारी वो गांव की दीदी है ना, वो याद कर रही थी। अच्छा, जरा मिल लूंगी भैया से तो ठीक रहेगा। ठीक है, राम राम भाभी। राम राम। अरे निशा आ गया? बढ़िया। हाँ मैं तो बढ़िया हूँ, आपको क्या हुआ, आप ऐसी परेशान से लग रहे हो? परेशान क्या, मैं काम ढूंढने गया था। फिर मिला? नहीं, 2-3 दिन की कह दी उसने। अच्छा अच्छा। हाँ, और कोई आया तो नहीं मेरे पीछे पीछे? अरे हाँ, एक लड़की आई थी, मतलब नाम क्या बता रही थी वो पता नहीं, कोई चक्की वाले हैं उनकी। अच्छा, लड़की अच्छा, थी। अच्छा अच्छा, चक्की वाले। हाँ, इनकी। अच्छा, फिर वो आपको याद कर रही थी, बोल रही थी कि मुझे भैया से कुछ बात करनी है, अगर वो आए तो भाभी भेज देना, ऐसे बोल रही थी। अच्छा, पहले मैं उससे मिल के आता हूँ। ठीक है ठीक है, जल्दी आ जाना है ना। अरे दीदी। अरे टिल्लू। हाँ जी राम। अरे राम राम भैया, राम राम। और सब बढ़िया है? हाँ जी, बस मैं इंतजार ही कर रही, आज भाभी ने बताई होगी कि मैं आई घर पे मिलने। हाँ वो ही हो गए, ये वो चक्की वाले की आई, मैंने मैं समझ गया। हाँ, था। अच्छा अच्छा, जी जी आयूंगी। हाँ, और सब बढ़िया है? हाँ जी सब बढ़िया है। हाँ तो बढ़िया होने चाहिए, मैं यूँ कह रही, शादी है तेरी? हाँ जी, वो मेरी क्या शादी, ऐसा था वो हमारे परदादा कर गए। अच्छा, अब वो एक समय। चलो सही है, बहू भी बहुत अच्छी है भैया तुम्हारी, और तुम भी बहुत बढ़िया। और मैं यूँ कह रही कि तुम एक बात ये बताओ, तुमने बाकी घर में रख रखो है? हाँ। है ना, चेतराम के में। अब वो चेतराम ने तुम्हारे आगे शर्त ऐसी रख दी है
तो मतलब अब तुम चार दिन बाद अपनी बहू है वहाँ छोड़ दोगे, तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। तो तुम्हें कौन बता रहा था ये शर्त वाली बात? तुम्हारी मतलब मुझे पता चला कैसे भी। अच्छा अच्छा दीदी एक बात बताओ। हाँ। अब मेरे सामने स्थिति ऐसी फंस गई कि मैं ना तो इधर का रहा ना इधर का। अब वो सुक्का जो है उसने टांग अड़ा दी। अब जो है मेरे दिमाग में वही बात चल रही है यार ऐसा ना हो गया, नई नई शादी हुई है और कहीं तुम्हारी बहू झोपड़ी में रहने की मना कर रही थी क्या? मना कर रही थी और ऐसा उसके मुंह देख के मुझे जब मैं रास्ते में ही आ रहा था तो वो भड़क गई थी उसकी बात पे, तुम्हारे पास घर नहीं है। अच्छा? फलाना डीगा मेरे दिमाग में ये बैठ गई कि मैं वहाँ नहीं रहूंगा झोपड़ी में। अरे अच्छा ये बताओ तुम पे घर नहीं है ये बात पता ही किसने दी? अरे मैं बता तो रहा हूँ दीदी वो सुक्का ने टांग मार दी बीच में। नहीं तो मैं सुक्का बड़ा बदतमीज है सही। हाँ। अपना तो घर बनी दी ना, दूसरे का भी बनने नहीं दिया। नहीं तो दीदी मैं कैसा भी होता वहाँ आके समझाया था उसको, देखो भैया अपनी छोटी को डरिया है यही है सही अब बात पर वो उसने अब टांग मार दी किल सा दी वो पहले से ही। अब मैं चलो और इसी बात को दीदी लेके मैं मुझे भूख तक नहीं लग रही रोटी। अच्छा अच्छा तो अब वैसे अब क्या सोचा है तुमने क्या करोगे? अब दो दिन और रह गए, चौथे दिन वो जो चेतराम भैया आके और तुम्हें मालूम है वो बहू ले आनी कह रहे। अब मेरी बात सुनो, अब तुम पे एक तरीका है। क्या? मेरा जो पीछे वाला कमरा है ना, आगे से तो घर बनवा रही हूँ नया, जो पीछे वाला कमरा है उसमें आप रह लो अपनी बहू रह। ठीक है ठीक है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और आराम से कमाओ और खाओ। ठीक है, अपनी बहू से बात कर लेना और कल अपना सामान वामान रख लेना एक दिन पहले ही। ठीक है ठीक है, राम राम भैया। हाँ भाई कहाँ आ रहा है? सुक्का। हाँ तू यार जब भी अच्छे काम से जाऊं तभी तू बीच में आके ओ यार। अबे यूं कह कि अगर ये समझ ले कि अगर मैं तेरे सामने पड़ गया तो काम सभी होगा, बता किस काम से आ रहा है? अरे चल बात कम बना और तू मुझे जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ जाने दे भाई। चार दिन तो हो गए अनुआ और चल मैं तुझे यूँ कह रहा हूँ वो अपनी जो तेरी बीवी है जो तूने वहाँ छोड़ रखी है उसको ले आ। चार दिन तो हो गए, एक दिन और बीतने वाला है, एक दिन बीत गया तो बीवी भी पल लेनी पड़ेगी। ना ना तू फिकर मत कर, हो गया इंतजाम। देख सुन मैं बताऊं। हाँ। इंतजाम हो गया। हाँ। अब देख एक इंतजाम की बात मैं भी कर लूं थोड़ी सी। हाँ, क्यों भाई? हाँ। मुझे एक बात बता, अभी तूने इंतजाम की कुछ बात की, चल मैं अपनी बातें तो बाद में करूंगा, पहले चल तेरी ही सुन लेता हूँ। कहाँ हो गया इंतजाम जो था? तो सुन वो जो चेतराम समझ रहा है ना कि मैं इसकी बहू को ले लूंगा, उससे पहले मैं उसका घर खाली करके और वो दीदी है चक्की वाली उनके घर में पहुंच जाऊंगा। भैया चुड़ैलिया रहते हैं यार है? वहां में तीन तो लोड़ियां मर गई वहां में यार भांजी लगा लगा के। अबे चुड़ैल, अरे यार कैसी बात कर रहा है, मैं भूत प्रेत रहते हैं, उस दिन मैं खीर खा रहा था वहां पे बैठ गए। अरे चल, अबे सुन तो सही, मैं खीर खा रहा था भाई साहब, मैं खीर खा रहा, मेरे अंदर झंझनाहट सी हो गई पूरे शरीर में। मैंने कहा ये क्या बवाल है, मैं वो लगा के निकला, वो हटका है, वो हटका है सेंटर से लगा लगा, वो लगा के निकला यार। अब यार हाँ रात को 12-1 बजे आना होता है मेरा खेत से, तो ये समझ लेगा ऐसे लगता है डर, इसीलिए मैं तो माचिस रखता हूँ भैया, अब कोई भरोसा नहीं है भाई। चुड़ैलियाँ नाचती हैं यार उस घर में। हाँ अब भैया जो तू देख रहे, मैं नहीं देख रहा भैया, तू देख ले जो भी जैसा करेगा यार। फिर मैं रहूँगा कहाँ? रहेगा था। अब देख रहने के लिए बहुत जगह है, बहुत जगह है। अबे पर मेरे पास तो नहीं है बहुत जगह है बेवकूफ। अबे तो कोई बात नहीं, तू मेरे घर रह लियो, ऊपर वाले उसमें रह लियो कमरे में तेरे घर पे। हाँ ऊपर। हाँ तू तो मेरा और पता था तू मेरा साथ देगा। और क्या हम तो देख ले ऐसे ही है। मैं तो तुझे इसी बात पे ढूंढ रहा था, मैंने कि कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं रह रहा। चल तो मैं शाम को ही आ जाऊँ तेरे घर पे। फिर शाम को ही आ जा। देख सुन अपने जो भी है तेरे जितने कपड़े लगते हैं सब उठा ला बैग वैग और शिफ्ट कर दे मेरे ऊपर वाले कमरे में। चिंता मत कर तू, मैं आज ही कर दूंगा। जा 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 चल ठीक है जा है ना, ध्यान रख दो, आ जा टाइम से निकल यहाँ से। ठीक है सबका ठीक है। अरे चेतराम भैया, ओ चेतराम भैया पहला सुन रे। अरे आए हो रे? हाँ बता। अब मैं ये कह रहा हूँ मैं तुम्हारा घर खाली करके जा रहा हूँ आज, है ना? खाली करके जा रहा हूँ। हाँ अरे खा जरूरत है आराम से रहे। अच्छा तो हमारी बहू ना ले लोगे फिर है? हाँ कल जो तू एक बार जुबान दी तो दी थी, आज चौथा दिन है, आज शाम को ही मैं तुम्हारे घर से सामान ले आ रहा हूँ। अच्छा खा जरूरत है आराम से रहे, सामान रख के आराम से सूर है बहुए रख। अच्छा और मैं वहाँ रहूँगा, पाँचवा दिन हो गया, तुम तो वहीं बहुए ले लोगे यार। बहुए ले लूँगा और का। अरे मैंने कहा तेरी बहू ले रही, मैं क्या ही तो रहो ले थोड़ी ले मैंने। तो फिर कही चोई है? हाँ अरे जब देखी जाएगी अब ले तो ना रहो। अब तो भैया मैं ऐसा है मैंने जो है सुक्का को जो है जुबान दे दिया, मैं उसके घर पर जा रहा हूँ आज। भाई घर रहे वो और क्या। अरे तू बाकी घर रहे को जाते तो नहीं पर रहे ना, वो ऐसा है ना अब तुम्हारा घर छोटा पड़ जाता है। छोटा हमें बच्चे हैं अभी।
होंगे ना, दो जने ना रह पाओगे हमें? ना ना, अब मेरी थोड़ा सा वो है ना बहू, वो बहुत बड़े घर से निकल के आई है। चल कोई बात ना, वैसे एक बात बता, तू वहाँ ले जा रहा हो बापू? कहाँ? सुक्का के घर है। हाँ, सुक्का का सही मानना होगा, बहुत खराब आदमी है। मेरा बचपना को यार आना वहाँ से, यार बचपना को यार आना बेशक होगा, लेकिन वो इतना गुंडा आदमी है, खराब आदमी है वो। औरों के लिए होगा वो, पर मेरे लिए बिल्कुल गऊ है, गऊ। अच्छा हाँ, चल कोई बात ना, ना मानना तो फिर ले जा भाई। निशा आ गए? हाँ निशा। क्या हुआ, मिल गया है उन दीदी से? हाँ निशा, मैं क्यों बुलाया था उन्होंने? अरे वो काम था, मैंने ही उनसे बोला था, कोई इंजीनियर हो जो घर पर बनाता है, बिल्डिंग विल्डिंग बनाता है, उससे मुलाकात करनी, तो उन्होंने बताया था एक इंजीनियर है। किस लिए? अरे ये घर है ना घर, हाँ हाँ, मैं इसको दोबारा से इसे तोड़ के और यहाँ पे बहुत आलीशान बनाऊंगा, महल जैसा घर। अच्छा हाँ, तब तक कहाँ रहेंगे हम? अरे बहुत, दो तीन गांव अपने घर में पड़े हुए हैं ऐसे पुराने, अब तक उसमें बसेरा कर लेंगे। ठीक है? अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर ठीक है ना। हाँ, अच्छे से बनवाना, मॉडर्न किचन चाहिए मुझे। मैं मॉडर्न टेल वेल लगा के, अच्छे से मॉडर्न नहीं, नंबर वन मॉड्यूलर जो किचन चल रही है ना आजकल, रसोई शहरों में जो होती है वैसी बनवा। चलो तुम सामान निकालो जल्दी। ठीक है, मैं निकाल दूंगी। अच्छा निशा, अरे जी जी, अरे टिल्लू भैया, राम राम भाभी, राम 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 राम। कहाँ जा रहे हो झोला डंडा लेके? अरे वो मैं दीदी, वो घर बनवा रहा हूँ ना, वो पुराना वाला जो यहाँ पे मेरे थे, तो मैं उसे तोड़वा के दोबारा से नया बनवा रहा हूँ। अच्छा। तो जब तक मैं सोच रहा था पुराने वाले घर में रह लूँ अपने, पुराना वाला तोड़। हाँ हाँ वो जी जल्दी, मैं अरे मतलब कुछ समझा तो सही, मैं बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं जल्दी समझा रहा। इतना जल्दी क्या है भैया, जरा मुझे बता दो दे कौन सा पुराना मकान है, कौन सा कैसा है। चल तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, अभी तो ये यहाँ से नहीं लग रहा, कहीं बम्बई से बोल रहा है ये, कहीं नहीं बोल रहा, इसकी बहू की जुबान बोल रही है। हे कैसा आदमी, बात भी नहीं करके गए। ये भाई अपना वो पुराना वाला। अरे ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ, आप तो कह रहे थे कि मतलब ऐसा है वैसा है, फिर नया घर में बाद में जाएंगे पुराने में, ये तो बिल्कुल नया सा महल सा लग रहा है। अच्छा, महल वेल लगी हुई है। अरे निशा ये तो कुछ नहीं है, ऐसे दो चार घर तो मेरे ऐसे ही पड़े हैं। अच्छा, इस गांव में अभी तुम देखे भी नहीं हो घर। वो आदमी झूठ बोल रहा था उस दिन, है ना? उसकी क्या है, बाबरी मंडी से आया हुआ आदमी। हाँ सही कह रहे थे आप, पागल है वो। अच्छा ठीक है, मैं अभी काम से आया, तुम जब तक सामान वाम सेट करो, है ना? हाँ मैं सामान सेट कर लूंगी। सामान रख दिया और मैंने अपनी बहू छोड़ दी वहाँ, मतलब बहू को वहाँ। किसने कही तुझसे सामान रखने की है? नहीं बता, किसने कही तुझसे सामान रखने की? पागल हो गया यार, क्या क्या पागल हो गया? अबे यार तू बहुत बढ़िया निकला यार, तूने सामान ले जाके मेरे घर पर रख दिया है। अरे वो तूने सुबह नहीं कही मुझसे? अरे मैंने कही, तूने बात सुनी पहले पूरी? कैसी बात सुनी? कैसी बात? अरे कोई बात थी जब थी चल रही थी, मैंने अब कोई कही तुझसे बात? तू यार जुबान से मत पलट यार। नहीं नहीं नहीं, एक बात बता, मेरे शादी वादी वाले आएंगे देखने के लिए, मैं क्या दिखाऊंगा उन्हें? तो ये बात तूने पहले क्यों नहीं सोची? मैंने पहले सोच ली थी भैया, अब मैं बताऊँ, अगर देख अब चल ये है कि मुझे ये तरस आएगा, भैया दोस्त है तू मेरा, इसलिए सुन मैं तुझे 7 दिन का समय देता हूँ, 7 दिन, 7 दिन तक तू वहाँ रहे मेरे घर में, और अगर 7 दिन से अगर दिन अगर 8वां भी हो गया तो समझ लियो तेरी बीवी फिर मेरी हो जाएगी। बता अब बता। अरे वो एक बात बताओ, बता बताओ, मेरी बीवी है वो, जमीन नहीं है क्या इस समय में पड़ता है क्या? तू ले लियो, अब देखो बांट दू, देख ले, नहीं तो अभी बोरिया बिस्टर लो, निकल लो यहाँ से, निकल लो, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये चक्कर में यार मैं उनसे और झूठा पड़ गया। अबे कौन है? अच्छा, चक्की भाई दीदी से मैंने कह दी मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तूने यार तो जाओ उन्हीं के पास, जाओ चुड़ैलियां नाच रही है उनके घर में, जाओ जाओ, भूत चुड़ैल बैठे हुए, जाओ खाएंगे, खाई जिंद बैठे हुए तुम्हें। अच्छा तो 7 दिन तो दे रहा है ना तू? क्या 7 दिन तो दे रहा है? 7 दिन दे रहा हूँ, दिन अगर 8वां भी हुआ तो देख लेना, बात कह के यार पक्की वाली दावे के साथ। चल 7 दिन मेरे, 8वां दिन तेरा। है ठीक है, पक्की बात है? पक्की बात है। ठीक है ठीक है, तो यही बात रहनी चाहिए, अगर बात से मुकरा तो टिल्लू देख लेना, तेरी खैर नहीं है। बीवी दे दूँ इन्हें बहन चो। कपड़ा बनवाया हूँ यार, मेरी तो बनियान भी फट गई, बनियान भी लेकर फट गई। अरे और क्या हाल है? कहाँ जा रहा हूँ? बढ़िया है। मैं जा रहा हूँ बाहर बाजार में। बाजार में कपड़े लेने जा रहा हूँ। अच्छा, ब्याह फिर आगे दिखेगा? होगा ब्याह, हो जाएगा देखना तू। अच्छा। 8वें दिन ब्याह ही होगा मेरा आज से,
देख लियो। सही है। हाँ हाँ सही क्या और बता दू। बढ़िया है। मैं क्या कह रहा हूँ क्या ब्याह को तो छोरी को जरूरत हो गया तू है तो मैं क्या छोरी है कहाँ है। अरे अरे मेरे घर में है। घर में हाँ घर में कहाँ है। देख टेल्लू पहले तेरे यहाँ रहता था। हाँ तूने कितने दिन का वक्त दिया था उसे। चार दिन। अब मैंने कितने दिन का दिया तुझे पता है। पाँच और दो सात। सात और सात पे अगर एक भी दिन उसे एक्स्ट्रा हो गया आठवां दिन लग गया उसकी बीवी मेरी। अच्छा तैयार कर लियो जाने पहले। अरे तुझे पता है मेरी खुपड़ी कितनी तेज चलती है। अब मैंने उसको भूत की कहानी और पढ़ा दी है। अगर किसी और के घर में रहेगा तो वहाँ पर भूत जिंद चुड़ैल खईस डंकनी छंकनी। तेरे यार मेरा काम खराब करवा दो यार। कैसे तू बातें मना ना कर सकते। क्या नहीं मना कर सकता क्या भाई। मैं ना रह रख सकूं तू भाई भाई के जा रहे तो गुजारा मेरा भी तो होगा यार। तेरी तो बीवी है होगा यार। नहीं तो तेरी तो बीवी है यार मेरी तो है भी नहीं है। तो है यार वो आ गई है बाहर अपने घर। झूठ मत बोला कर। अपने घर गई है अभी आई ना लौट। अरे नहीं गई वो यार आ जाएंगी भाभी आ जाएंगी। क्या बात कर रहा है ऐसी बात नहीं है यार। मेरा काम खराब हो गया। चेतराम से को सही। अरे चेतराम हां हां अरे सुक्का क्या बात है रही है। अरे राम राम बहन जी। राम राम भैया। राम 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 क्या बात है रही है। हैं कछुआ बता दो। अरे ना ऐसी आप से बात कर हमारे लायक ना है। नहीं तुम्हारे लायक नहीं बात। अच्छा बता दो क्या बात चल रही है। केस ये बहुत ज्यादा वो क्या बात चल रही है ना। मैं तो एक मोहल्ला की लड़की हूँ। अरे मैं बताऊँ क्या बात है। पता नहीं पड़ेगी। बताओ 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 बात ये है। हाँ? क्या वो टेल्लू की बहू है ना ही। हाँ, मेरे घर रहेगी का ही। हाँ? वो चार दिन रहेगी मेरे घर। हाँ? और पांचवें दिन की मेरी शर्त थी तो जा हमारे खाली कर दो माने। अच्छा अब कहाँ गई। अब वो जाने अपने घर में रख लीजिए। अच्छा तो तू हमेशा को नहीं रखेगा। मैंने भी शर्त रख दी है। क्या मैंने सात दिन का वक्त दिया उसे अगर आठवां दिन हो गया तो उसकी बीवी। काहे को तुम्हें शर्म ना आए। काहे को तुमने थुका के फेंक दो है। सही है। दूसरे इनकी बहू बहू धीए बहू पर बहू धीन पर नजर डालता हो। काहे को तुमने शर्म यहाँ ओढ़ रखी है। बदतमीजो ने को तुमने शर्म यहाँ ना आए तुम्हें। क्या कह रही है। ज्यादा बेइज्जती करवा रखी है तुमने गाँव की। तुम्हारे उम्र तो होने ना है क्योंकि तुम्हारी शकल ही ऐसी हागुड़ा सी। चपरा चपरा हमारी बीवी कैसी होगी। कैसी जब तो वो दूसरे की बीवी ने देख के लार डालता। खाना कहीं बात कर रही है। खाना काम खराब करवा इसने मेरा करवा दिया। तुम बाप लाड डाल रहे हो बहू भाई पे लाड डाल रहे हैं। बाकी बहू बेचारी नोच नोच के खा जाओ। कहो अच्छो खासो घर बस आलो मन तो पसान मत दही हो। मैं देखूंगी भाई क्या मैं भाई समझाऊंगी। मैं बात करूंगी बाकी बहू से क्योंकि वो तो बेवकूफ है टिल्लू। तो बाकी समझ में तो आई ना ये बात समझ में होगा। चेतराम के घर पे ही रहे आराम। हां काऊ के करना रे मेरे घर रहेगी। मैं अपने पास रखूंगी भाई घर में चुड़ैल भूत। नहीं तो वो अपनी झोपड़ी में रहेगी। झोपड़ी में ना रहेगी। बाकी गांव में रहे बाको महल में रहने को मन है तो मेरे घर में रहेगी। तुम्हारे घर में भूत भी आता है यार। तुम्हारा झूठा ही है। तुम्हारे घर में तो तुम पट्टा खा जाओगे नोच नोच के। भूत भी आता कम से कम खाएंगी तो ना। भाई हम तो खा रहे हैं। मैं खुद एक भूतनी हूं। मैं सब खाऊ भूत ना घुसन दूंगा। निकल लो जानो दांत चुदरवा दोगी। नहीं तो दूसरे इनकी बहू धीन ने देख के लार डालता है बदतमीज। ले जाऊं घर ही जाके समझाऊं क्योंकि जी तो मेरे को बाहर मिलेगी ना कहीं। अरे टिल्लू की बहू। अरे वो टिल्लू की बहू। अरे तुम। हाँ राम राम भाभी। राम राम। और सब बढ़िया है। हाँ कैसे हाल हो। और आना क्या हुआ मुझे जरा बात करनी है। क्या बात करनी है। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बताओ। बात ये करनी है। अब मुझे ये बताओ कि आप मतलब टिल्लू से शादी होके आई है ना। हाँ शादी होके आई। तुम टिल्लू से प्यार तो करती होंगी जब भैया उनकी वाइफ हो तो। शादी करके आई हो तो है ना उन्हीं के साथ रहना पसंद करती हो। तो मुझे ये बताओ कि तुम टिल्लू के साथ ही रहना पसंद करती हो या मतलब अपनी बिल्कुल ही बेइज्जती करवाना चाहती हो। ठीक है ऐसी बातें कर रही हो आप। ये मैं बात ऐसी कर रही हूँ कि देखो तुम्हारा पति है बिल्कुल मतलब बिना पैसे वाला गांव का बेचारा किसान है। उसके पास कुछ नहीं है क्योंकि देखो था उसके पास देखो झूठ नहीं बोलूँगी मैं। उसके खेत में मकान में आग लग गई थी तब से उसके मकान खेत सब चला गया। उसके माता पिता उसी चक्कर में ख़त्म हो गए। कोई नहीं है अकेला है बेचारा। तो इसलिए वो उसने मतलब तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। उसके पास अभी एक झोपड़ी है बस। अब झोपड़ी में मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। उसने डर के मारे नहीं बताई कि कहीं तुम ऐसा ना सोचो कि तुम्हें घर ही चाहिए रहने के लिए तो तुम रहोगी नहीं रहोगी इसलिए वो डरा। और देखो मैं तुम्हें सच बात बताऊं तुम्हारी खुशी के लिए उसने चार दिन तुम्हें उसके घर रखा। चेतराम के अपना घर बता के चार दिन का सौदा था वहाँ तुम्हारा। चार दिन सौदा ऐसा
कि 4 दिन तुम उसके घर पर रहती, 4 से 5वां दिन होता तो तुम उसकी पत्नी हो जाती चेतराम की। क्या बात कर रही हो? हाँ ऐसा सौदा। और अब ये टिल्लू का मकान है जहाँ तुम रह रही हो। अरे वो सॉरी, टिल्लू तो तुम्हारे पति है, सुक्का का मकान है ये जो तुम रह रही हो। अच्छा। तो अब ये सुक्का ने भी ये शर्त रखी है कि तुम 7 दिन तो टिल्लू की वाइफ रहोगी, अगर 7 दिन से ओवर होते हैं तो तुम उसकी वाइफ हो जाओगी। ऐसे कैसे हो जाऊंगी? तुम्हें मतलब अपने टिल्लू के साथ ही रहना है ना। हाँ मैं तो उन्हीं के साथ रहूंगी। तो तुम उसकी उससे ये कहना कि सुनो जी, हमारे पास झोपड़ी है टूटी फूटी, जैसा भी कुछ है हम उसी में खुश रहेंगे। अगर तुम्हें मकान में रहना है तो उससे ये कहना जो चक्की वाली दीदी है उनके घर में कोई नहीं रहता, वही आके रहती है, मैं कुछ दिन बाद अपनी ससुराल चली जाऊंगी तो तुम लोग मेरे घर में रह लेना। सोच लो तुम्हें इज्जत प्यारी है या एक झोपड़ी। दीदी आपने मेरे लिए इतना सोचा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं किसी के घर रहना नहीं चाहती। मैं मेरा जैसा भी है टूटा फूटा झोंपड़ी जैसी भी है, उनने मेरे लिए इतना सोचा तो मैं उनके लिए अपने घर में नहीं रह सकती। जब मेरा घर जैसा भी हो आप मुझे वहीं छोड़ दो, जहाँ भी है मेरी कुटिया जो भी है मैं वहीं रहूँगी। तो टिल्लू कहाँ गया है, कहीं बता के गया? नहीं वो पता नहीं बाहर गए हैं, मैं अपना सामान लेके आती हूँ। नहीं 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 मैं अभी टिल्लू से बात कर लूँ, टिल्लू तुम्हें लेके जाएगा अपने घर। तो मैं टिल्लू से बात करके आऊँ या फिर मैं? नहीं 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 आप किसी से बात मत करो, आप बस मैं सामान लेके आ रही हूँ, आप मुझे मेरे घर पे छोड़ दो, बस इतना काम कर दीजिए। ठीक है। तो उनसे बोल देना कि मैं अब अपने घर पर पहुँच गई हूँ, बस जल्दी से जल्दी आप मुझे यहाँ से निकालो, मैं आप अपना सामान लेके आऊँ, मैं तुम्हें तुम्हारी झोपड़ी पे छोड़ दूंगी। ठीक है ठीक है। बताओ कितनी सीधी सच्ची, कितनी अच्छी बहू है, और उसको गलत समझ रहा था वो। बताओ कितनी बढ़िया, कितनी सभ्यता वाली है। आ जाओ आ जाओ, मैं आपको आपकी झोपड़ी पर छोड़ दूंगी। मुझे लग रहा है भाभी टिल्लू ही आ रहा है। हाँ हाँ वही टिल्लू जी। कहाँ ले जा रही है इसे? मैं कहीं नहीं लेके जा रही, अब जैसा भी तुम्हारा मकान है झोपड़ी पट्टी जैसा भी है वो उसमें रहने के लिए राजी है। अरे अब मुझे सब कहानी की पता चल चुकी है, अब तुम मुझसे झूठ मत बोलो कुछ भी, मुझे बस मेरे घर लेके चलो जैसा भी है। अब आपकी अमानत आपके पास, वो तुम्हारे साथ जैसे तुम रहोगे वैसे रहेगी, से आराम से अच्छे से हम अपने घर में रहेंगे, अब हम किसी के घर नहीं रहेंगे। निशा मुझे माफ कर दे, मैंने सिर्फ ये झूठ तेरे भाई से बोला था। कोई बात नहीं है, आपने मेरे लिए इतना सहा तो मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती। चलो अब आप खुशी से जाओ दोनों लोग, मुझे जरा काम है ना। हाँ। निशा मैं अपना काम कर लूँ। ठीक है भाभी। ठीक है दीदी। ठीक है नमस्ते। नमस्ते अब तो 2-3 दिन रह गए, मस्त बहू आएगी। मस्त बहू आएगी, सबल देखिए कभी शीशा में, काय को तुमने थुका रखो है जन्म में बदतमीजो। बहनी राम राम। अब आ रही है राम राम निकल के। अरे भूल गया था तुम, ऐसा था मेरी शादी होने वाली है अब। अच्छा। अब तुम्हें पता है मैं भूला तो समाऊंगा नहीं। सही बात है। 3-4 दिन रह गए तुम्हें दावत दूंगा। शादी होने वाली है तो तुम 2,000 रुपए से मुंह धोओगे। हाँ। तुम्हें दावत दूंगा बढ़िया वाली, रसगुल्ले दूंगा गोल वाले, बोल सफेद वाले। रसगुल्ले तो दब दोगे ना जब तुम्हारी बहू होगी। क्या और क्या, घर में है तो सही। घर में नहीं है तो वो मैंने उसकी बहू उसी के साथ भेज दी झोपड़ी में। और क्या, अबे यार तुम वो झोपड़ी में चली भी गई। चली भी गई, वो इतनी अच्छी इतनी सभ्यता वाली बहू है, कुछ पूछो मत। वो ये कह रही थी दीदी मैं अपनी झूठी झोपड़ी टूटी फूटी जैसी भी है उसमें गुजारा कर लूंगी, मैं ऐसे लुक्का फुक्का हो गई चक्कर में नहीं घूमूंगी। उसमें इतनी अकल कहां से आ गई? उसमें बहुत अकल है, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी है उसकी वाइफ। अच्छा। और तुम जैसे 4 दिन किसी की बहू को रखने के बाद अपनी वाइफ बना लोगे? तुमने हमारा काम नहीं बनने दिया, गलत बात है ये। दूसरे की बहू से काम बनाओगे तुम्हारा? चुप करो, मैं तो खुद अपनी सेटिंग बना के शादी करो। तो तुम्हारी शादी तो हो नहीं रही, तुम तो गाँव में है बिल्कुल बिना उसके डोल लो। अरे जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। शादी नहीं हुई मेरी। शादी नहीं हुई तुम्हारी? क्या रहा मेरी शादी नहीं हुई? शादी हो गई और क्या। दादी के पास क्यों नहीं रहती बेटी, इस गाँव में कहाँ जाती? मैं आती हूँ, मकान है मेरा, घर है। अरे बच्चा 2 मंजिल का कोठी खड़ी है, किसकी खड़ी है? पति भी ऐसे हैं जो ढाबे चला चला के इतना आटा पीस पीस के सबको खिला रहे हैं, किस कौन खा रहा है? वो तुम्हारे पिताजी चला रहे हैं। तो हमारे पिताजी तो है, हमारे लिए ही कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? करे मरे जा रहे हैं पिताजी, बेटी है का अब दादागिरी में डोल लेंगे। दादागिरी में डोलने की जरूरत ही ना है, दादा ही है हम। चले यहाँ से, हम तो जा ही रहे हैं, अब तुम्हारे हाथ से बहू चली गई, तुम तो चलो चलो करोगी। तुमने दिमाग खराब कर दिया, बात बताया गलत बात है तुम्हारी। गलत बात है तो मैं दूसरे इनकी बहू ध्यान में मुंह मरवाए, कितने बदतमीज लोग हैं। अरे हाँ हद करके फेंक दे ये लोगों ने। अरे चेतराम भैया, राम 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 राम। क्या बात है? कुछ बात ना हुई, तुम बताओ कैसा मुंह उतरा सा लग रहा है, क्या बात है? तुमने काम खराब कर दो। क्यों? तुमने मेरा काम बिगड़वा के बाबू काम बनवा दो। मैंने उसका भी ना बनने दिया। क्यों? मैंने उसका यूं ना बनने दिया कि मैंने उसकी बहू उसकी मतलब
बाकी बहू भाई के घर में भेज दई। कौन के घर में? अरे भाई की बहू। टिल्लू की बहू। टिल्लू के घर में भेज दई मैंने। टिल्लू घर में भेज दी? और क्या, मैंने कही मांगी जैसा भी है तेरा टूटा फूटा खुद का मकान है उसमें रहे, ये 7 दिन बाद तुझे अपनी बहू बना लेगा। मैंने उसकी बहू को समझाई ये बात। मैंने तो जो कह रही बात है मैंने, तू यार है आराम से खाली कर रहा है। अच्छा फिर तुम अपनी बहू बना लेते हो उसे? अरे मैंने तो कई बातें, मैंने कहा ले ली वो। अरे तुम्हारी कोई भरोसा नहीं है खुद के ब्याह प्यार, तुम्हारी बहू तो 2 साल से गई है तो आई ना, तुम मत उसी पे नियत डाल रहे हो। अरे मैंने कहा वो ले ली, मैंने बातें कही। अरे सब देख रहे हैं नहीं लेने वाले, ऐसे ही वो है ऐसे ही तुम हो चचोर है। अब देखा मकान टॉप को बनवा दो, हमें जरूरत ही ना है, जरूरत जिसको हो उसे टॉप का दिखाना, हमारा किसी से कम थोड़ी है। देखो 2 मंजिल की कोठी खड़ी है, मकान तो बन लो। हाँ और देखो जेवर में भी कोई कमी नहीं है। वैसे चलो कोई बात ना है। हाँ। तुमने सही ना करो, तुमने बहुत सही करो है, जाओ निकलो काम करो अपना। हाँ नहीं तो सही ना करो।